दोस्तों, आज से तकरीबन 1400 सालों पहले अरब में बहुत ही कम मुसलमान हुआ करते थे। उस वक्त नमाज के लिए बुलाने का कोई खास तरीका नहीं था, यानी कि उस वक्त अजान का आगाज नहीं हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मक्का में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, इसलिए जमात से नमाज के लिए अस्सलातो जामिया की आवाज़ को जोर जोर से पुकारा जाने लगा। अस्सलातो जामिया का मतलब होता है कि नमाज के लिए सब जमा हो जाओ। इस आवाज़ को जो भी कोई सुनता था वो दौड़कर जमात की नमाज में शामिल हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से अब नमाज के लिए बुलाने का कोई तरीका ढूंढना अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को महसूस होने लगा था। इसलिए फिर एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबाए किराम रजी अल्लाहु तआला अन्हों को इकट्ठा किया और उनसे इस बारे में सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। आपने फरमाया कि आप मशवरा दो कि हम लोगों को नमाज के लिए बुलाएं तो इसके लिए हम कौन सा तरीका इख्तियार करें। यह सुनकर उनमें से जो पहला मशवरा आया वो ये था। एक सहाबी रजी अल्लाहु तआला अन्हों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम एक झंडा बुलंद कर दिया करेंगे। जब वो झंडा बुलंद होगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया है और वो नमाज के लिए आ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया। तो फिर आपकी बारगाह में दूसरा मशवरा आया कि या रसूल अल्लाह, हम सबूर बजा दिया करेंगे। ये सबूर वो होता है जो सिंह से बना होता है और उसमें जब फूंक दी जाती है तो उससे बहुत जोर की आवाज़ निकलती है। यानी कि दूसरे ने कहा कि हम इस सबूर को बजा दिया करेंगे, जहाँ तक इसकी आवाज़ आएगी तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया है और वो नमाज के लिए आ जाएंगे। यह सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यह तो यहूदियों का तरीका है, यह हमें पसंद नहीं है। फिर तीसरा मशवरा आया कि या रसूल अल्लाह, हम दो लकड़ियों को आपस में बजा दिया करेंगे। तो यह सुनकर आपने फरमाया कि यह तो नसारा का तरीका है। फिर किसी ने बिगुल फूंकने का मशवरा दिया तो किसी ने घंटा बजाने का, लेकिन आपको किसी का भी मशवरा दिलकश नहीं लगा और अच्छी सिफारिश के लिए अल्लाह की राह देखने के बारे में सोच लिया और फिर इस तरह से वो मजलिस ऐसे ही बर्खास्त हो गई। दोस्तों, उस मजलिस में एक ऐसे सहाबी भी मौजूद थे जो कि थोड़े बीमार थे। उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन जेद रजी अल्लाह तआला अन्हो। वो वहीं पर मस्जिद में ही लेट गई और उन्हें नींद आ गई। उन्होंने अपने ख्वाब में अजान के कलिमात सुने, इसलिए फिर वो सुबह होते ही अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रात को मैं ना सोया हुआ था और ना ही मैं जाग रहा था, यानी कि बीच की कैफियत थी कि इतने में एक आदमी हरा लिबास पहना हुआ मेरे पास आया। फिर उसने किबले की तरफ अपना रुख किया और ये अल्फाज मुझसे कहे, और फिर उन्होंने अजान के वो अल्फाज अल्लाह के नबी को सुना दिए। अजान के यह अल्फाज सुनकर अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुझे ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई है। इधर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो भी अपने घर से जल्दी जल्दी निकले और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रात को मैंने भी ख्वाब में यही कलमे सुने हैं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आपको यह अल्फाज सिखाने के लिए आया था, तो मैं तुम्हारी अजान का तरीका बताने के लिए आया था। फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, बिलाल हब्शी कहाँ पर है। उसके बाद हजरत बिलाल को बुलाया गया तो फिर आपने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, अजान के जो कलिमात आपने सीखे हैं वो कलिमात बिलाल हफ्सी को सिखा दो। फिर उन्होंने वो अजान हजरत बिलाल को सिखा दी। उसके बाद फतेह मक्का का दिन आया। खुशी का दिन था। उस दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि वो काबे की छत पर चढ़ जाए और काबे की छत पर खड़ा होकर अजान पढ़े। वो बिलाल जिसको मक्का की गलियों में कोई पूछता तक नहीं था, जो मक्का की गलियों में जुल्म और ज्यादती का शिकार होता था, आज उसी हफ्सी गुलाम को हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी इज्जत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो काबे की छत पर चढ़कर अजान पढ़े। उसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो काबा की छत पर चढ़ गई। अब अगर कोई अजान देता है तो आपको मालूम है कि वो किबले की तरफ अपना रुख करता है, मगर कोई काबा की छत पर ही चढ़ जाए तो फिर वो अपना रुख किधर करेगा। अब हजरत बिलाल काबा की छत पर खड़े होकर सोचने लगे कि वो अपना रुख किधर करें। इतने में हजरत बिलाल ने देखा कि अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रही हैं। बस इतने में हजरत बिलाल ने अल्लाह के नबी की तरफ अपना रुख कर दिया और अजान देना शुरू कर दिया।
फिर जिधर जिधर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जा रही है उधर उधर हजरत बिलाल भी अपना रुख फेरते चले गई है। इस तरह से फिर हजरत बिलाल ने काबा की छत पर अपनी पहली अजान मुकम्मल की। यह मंजर देखकर किसी ने पूछा कि यह हजरत बिलाल आपने पहली दफा अल्लाह के नबी को कहां पर और कैसे देखा? तो इस पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हों ने कहा कि मैं मक्का के लोगों को बहुत ही कम जानता था क्योंकि मैं एक हफ्सी गुलाम था और यहाँ पर गुलामों से इंसानियत कोसों दूर थी। यही वजह थी कि मुझसे भी यहाँ पर हद से ज्यादा काम लिया जाता था। मुझे इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं बाहर जाकर लोगों से मिलता, इसलिए मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इस्लाम की किसी भी चीज़ का कोई इल्म नहीं था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार आ गया। सख्त जाड़े का मौसम था, इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे जकड़ रखा था, इसलिए मैं एक चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। इधर मेरा मालिक है, वो मुझे देखने के लिए आया कि मैं जो पीस रहा हूँ या नहीं। मेरा मालिक जब मुझे चादर ओढ़े लेटे हुए देखा तो वो आग बबूला हो गया। उसने मेरे ऊपर से चादर उतार कर फेंक दी और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे एक खुले सहन में ले जाकर दरवाजे के पास में बिठा दिया और यह कहकर चला गया कि पूरी रात यहीं पर बैठकर जो पीसते रहो। अब सख्त जाड़े की रात थी और ऊपर से मुझे बुखार भी बहुत तेज था। मैं रोता जा रहा था और जो पीसता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो मैंने देखा कि एक पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो मुझसे पूछने लगा कि ए जवान क्यों रो रहे हो? इसके जवाब में मैंने कहा कि जाओ आप अपना काम करो, यहाँ पर पूछने वाले तो बहुत आते हैं मगर मदद करने वाला कोई नहीं आता। उस वक्त मैंने अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले सुना दिए। अल्लाह के नबी मेरी इन बातों को सुनकर वहाँ से चल दिए। यह देखकर मैंने कहा कि मैं ना कहता था कि यहाँ पर पूछने तो सभी आते हैं मगर मदद करने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह के नबी यह सुनने के बाद भी चलते रहे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि मेरे दिल में जो हल्की सी उम्मीद जगी थी कि ये शख्स शायद मेरी थोड़ी मदद करेंगे, वो भी यहाँ से चले गई है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अब मेरा वास्ता जिस शख्स के साथ में पड़ा है वो रहमतुल्लिल आलमीन है। इसके कुछ देर के बाद में मैंने देखा कि वो शख्स वापिस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला था और दूसरे हाथ में कुछ खजूरें थी। उन्होंने वो दूध और खजूरें मुझे दे दी और मुझसे कहा कि इन्हें खाओ पीवो और जाकर सो जाओ। यह सुनकर मैंने उनसे कहा कि मुझे ये जो पीसने हैं, अगर मैं सो गया तो यह जो कौन पीसेगा? तो उन्होंने कहा कि तुम सो जाओ, तुम्हारे बदले में मैं जो पीसता हूँ। उसके बाद मैं जाकर सो गया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हफ्सी गुलाम के लिए रात भर चक्की पीसी। सुबह वो मुझे पीसे हुए जो दे दिए और चल दिए। दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ। वो दूसरी रात भी दूध और दवा साथ लाई और मुझे देकर सुला दिया और खुद रात भर चक्की पीसते रहे। इसी तरह से फिर 3 दिनों तक लगातार वो मेरे बदले में काम करते रहे। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो तीसरे रोज मैंने उनसे पूछा कि आप हो कौन जो एक हफ्सी गुलाम के बारे में इतना सोच रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद है। यह सुनकर मैंने कहा कि अगर आप ही का नाम मोहम्मद है तो आप मुझे जल्दी कलमा पढ़ा दीजिए। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का होकर रह गया। यही वजह है कि आज दुनिया में लोग हजरत बिलाल को सहाबी रसूल बाद में और इसके रसूल पहले कहते हैं।